चैनल पीएमएस मीडिया में और मैं हूं आपके साथ मानसी गुप्ता। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। भारत के 12 मिसाइल्स 2000 जेट ने पाकिस्तान में 1000 किलो के बम गिराए हैं। हालांकि अब तक भारतीय वायुसेना की ओर से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के आधार पर ये बताया जा रहा है कि मिराज फाइटर जेट ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की सेना ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि भारत के विमान सीमा पार कर पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसे, वो भी देर रात 3:30 बजे। भारतीय जेट ने पाकिस्तान के भीतर कार्रवाई की है। जैशे और अन्य आतंकी संगठनों ने लॉन्च पैड को टारगेट किया गया। पुलवामा हमले के बाद से भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जा रहे थे। आतंकी ठिकानों पर हमले में कितना नुकसान पहुंचा है, इसका भी ठीक ठीक आकलन किया जाना बाकी है। कश्मीर में एलओसी पर तनाव की स्थिति हो रही है। एयरफोर्स बेस में हाई एक्टिविटी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि अगर ये बात सच है तो ये बड़ी कार्रवाई है, लेकिन हमें इस पर भारत सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी ये देखना होगा कि पाकिस्तान इस कार्रवाई का किस तरह जवाब देता है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा ने कहा कि अभी हमें भी पाकिस्तानी सरकार में आधिकारिक बयान का इंतजार है। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार चुनाव को देखते हुए इस प्रकार का माहौल बना रही है। मंगलवार तड़के प्रवक्ता मेजर जनरल आफिस कफूर ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की है। बीते 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स को खुली छूट दे दी थी कि जो करना है करो, बस बदला चाहिए, इस बात को माफ नहीं किया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीएमएस मीडिया।